इंडिया अपोजिशन की मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है और दो दिन की मीटिंग के दौरान क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहली बार शुरुआत की बीजेपी से अलग होने के बाद, लालू यादव से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो भारत के कई राज्यों में जाकर के कई मुख्यमंत्री और अपोजिशन के नेताओं से मुलाकात की। नीतीश की ये जो सफलता है लोग देख रहे हैं, यानी इंडिया की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ फैसले होंगे, मुंबई पर निगाह सबकी टिकी हुई है। सारे नेता आ रहे हैं, लालू यादव दो दिन पहले आ गए, अखिलेश यादव आ जाएंगे, नीतीश कुमार भी आने वाले हैं और जो भी नेता है वो सब मुंबई पहुंच रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कायदे से कि इस मीटिंग में होना क्या क्या है, किन किन मामलों को लेकर के यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे, नेता जो बैठेंगे वो किन सारे मुद्दों को लेकर के लोगों को बताया जाएगा कि आखिरकार इस मीटिंग का परिणाम, इसका नतीजा क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि तीन चार बड़ी चीज़ें हैं जो इस मीटिंग में फैसले किए जा सकते हैं। उसमें से एक पहला चेहरा यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास मोदी है, तुम्हारे पास क्या है, तो ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनके कहना है कि आपके पास एक ऑप्शन है, हमारे पास इतने ऑप्शन हैं कि बताया नहीं जा सकता है। लेकिन चार बड़े प्रमुख चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में आ सकते हैं या उनके नाम पर चर्चा हो सकती है। उन चार चेहरों में ममता बनर्जी का भी नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है। हालांकि ये तीनों नेताओं ने हमेशा मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन राजनीति में इच्छा ना होना भी एक इच्छा होती है और इसी को राजनीति सियासत की ख्वाहिश कही जाती है। तो इन चार चेहरों पर चर्चाएं हो सकती है कि इन चार में से कौन पीएम उम्मीदवार होगा, कौन नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज होगा, ये पहला काम है। दूसरा काम यह है कि इंडिया का जो एक लोगो है, ताकि लोगों तक संदेश पहुंच सके कि लोगों में क्या कुछ रखा जाएगा, तस्वीरें होंगी, भारत की तस्वीर होगी, जो तिरंगा का कलर है वो लगाया जाएगा, तो ये दूसरा एजेंडा इस मीटिंग का यह है कि इस पर बातचीत होगी। तीसरा एजेंडा ये होगा कि जो कन्वीनर बनाया जाएगा, कि कन्वीनर जो बनाने का मसला है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नेता होगा या नीतीश कुमार के ही कंधे पर जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि चलो विपक्ष के नेताओं को जमा करने की जिम्मेदारी आप पे थी, आपने सबको एक साथ जमा कर दिया, कांग्रेस और ममता बनर्जी को जब एक साथ आपने कर दिया, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को जब एक साथ आपने कर दिया, तो आपके अंदर सियासत की लीडर की वो खूबी मौजूद है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के कंधे पर यह जिम्मेदारी दी जा सके। उसके अलावा कन्वेनर बनाने की बात है और 11 या 12 पार्टी के लोगों को इसमें पूरी टीम में शामिल किया जा सकता है कि रणनीति कैसे बनाई जाए 2024 को लेकर के। तो ये तीसरा एजेंडा हुआ। चौथे एजेंडे पे ये बात होगा कि एक मुख्यालय बनाया जाएगा, यानी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, सारी पार्टियों का अपना अपना एक कार्यालय होता है, मुख्य कार्यालय, उसी तरह से इंडिया अपोजिशन का भी एक कार्यालय बनाने की बात होगी और वो कार्यालय दिल्ली में बनेगा कि वहाँ पर सारे नेता एक जगह जमा हो सके, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, मीटिंग की जाए, इसलिए कि लोकसभा चुनाव को काफ़ी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, अब तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो ये एक एजेंडा है। उसके अलावा ये भी तय होगा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता बार बार इधर उधर बयान देते हैं, उस बयान से किसी तरह कोई नुकसान ना हो जाए, बचने के लिए प्रवक्ता की भी नियुक्ति हो सकती है, यानी जो अपोजिशन के नेता हैं उन नेताओं में कौन ऐसा नेता होगा जो प्रवक्ता की भूमिका में होगा, जो मामलात होंगे, जो चुनाव होगी, जो रणनीति बनेगी और उन सारे मामलों को लेकर के जो अपनी बात है आधिकारिक तौर पर रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती है। मुंबई पूरी तरह से तैयार है, हर जगह बैनर पोस्टर लग गया है और अपोजिशन के सारे नेता आ गए हैं और जो कई नेता हैं वो शाम तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो एजेंडा है मीटिंग का, ये चार पांच एजेंडे पे बात होगी, लेकिन सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि जो सीट का बंटवारा है, अलायंस है, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन ये बात बाद में भी हो सकती है, इसलिए कि सब लोग मान चुके हैं, लालू यादव ने पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि एक ही कैंडिडेट हो पूरे भारत में, जहाँ भी लोकसभा में हम चुनाव लड़ें, यानी अपोजिशन की जो पार्टियाँ चुनाव लड़ें। तो ये एजेंडा तय है। तो मुंबई की मीटिंग में और मुंबई पर हर शख्स की निगाह है, राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों को, कि इंडिया जो है वो क्या फैसले लेगी, क्या निर्णय लेगी। हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होगी, मुख्यालय बनाने की बात होगी, इंडिया का लोगो जारी किया जाएगा और संरक्षक कौन होगा, इसमें कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, किन बड़े बड़े नेताओं को जगह मिलेगी। हालांकि इस मीटिंग से पहले जो अपोजिशन के नेता वो ये कह चुके हैं कि मोदी हमारी मीटिंग से घबरा चुके हैं। सीमा अख्तर, हेडलाइंस, बिहार, मुंबई।